हेलो फ्रेंड्स एडुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेकर बात करेंगे बीएड काउंसलिंग की जिसके लिए कि एच द्वारा कुछ महीने पहले एंट्रांस टेस्ट लिया गया था जिसका कि हाल ही में रिजल्ट भी जारी हो चुका है लेकिन साथ ही साथ एक दो दिन पहले जो है एच मंडी द्वारा एक शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है बीएड की काउंसलिंग के लिए लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एच के द्वारा अभी तक मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है अब इसमें समस्या ये भी है कि जो अलग अलग अगर काउंसलिंग होती है तो स्टूडेंट्स को दो तरफ जो है वो आवेदन करना पड़ेगा एस एच के लिए अलग आवेदन करना पड़ेगा एच के लिए अलग आवेदन करना पड़ेगा इसमें शेड्यूल आने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी आ गई है इसमें अभी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कन्फ्यूज़ है किस तरह से अप्लाई करना है गलती की अगर मैं बात करूं तो ये एस मंडी की गलती है मेरे हिसाब से बिना मेरिट लिस्ट आए बिना रोस्टर तय हुए अभी जो शेड्यूल है वो जारी नहीं होना चाहिए था क्योंकि पहले जो है अगर रूल रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो पहले मेरिट लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज़ मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद जो है काउंसलिंग होनी थी अब ये काउंसलिंग भी दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए साथ होनी चाहिए थी अगर इस तरह से अलग अलग काउंसलिंग होती हैं तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी और अगर आप देखेंगे तो जो शेड्यूल जारी किया गया था एस मंडी के द्वारा इसमें फीस वगैरह भी तय की गई थी तो फीस भी आपको दो बार ही जो है पे करनी पड़ेगी अगर अलग अलग होता है तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये जो शेड्यूल है वो वापस हो जाएगा फिलहाल आज आप खबरों में देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है दो न्यूज़पेपर में खबर लगी है दोनों को हम पढ़ेंगे क्या कुछ इसमें लिखा है पहली यहाँ पे न्यूज़ जो लगी है उसमें लिखा है मेरिट बनी नहीं मंडी विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया काउंसलिंग शेड्यूल तो आप देखते हैं कि ये गलत एक तरह से एक निर्णय है एस पी ओ मंडी का आप यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने अब तक बी के लिए प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है वहीं सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है एचपीयू प्रशासन ने इस पूरे मामले को देख रहे अधिकारी को निर्देश दिया है कि मंडी विश्वविद्यालय को यह काउंसलिंग शेड्यूल वापस लेने के लिए कहा जाए इसके साथ ही जवाब भी तलब किया जाए तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है एच द्वारा एस के लिए कहा जाएगा कि ये जो शेड्यूल आपने जारी किया है इसको वापस लिया जाए क्योंकि अभी जो है काउंसलिंग हो ही नहीं सकती है पहले मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी तो जो कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं एस मंडी के लिए किस तरह से आवेदन करना है तो वो थम जाए थोड़ा सा वेट करें क्योंकि एच की ओर से सब कुछ होना है क्योंकि पहले जब एच ने ही एंट्रांस टेस्ट लिया है तो एच की ओर से ही जो है इसमें पहले कार्यवाही की जाएगी इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे आनंद फान में ही जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है नियमों के तहत पहले मेरिट लिस्ट जारी की जाती है इसके साथ ही काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी किया जाता है तो जब मेरिट लिस्ट आती है तो उसके साथ ही आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी आता है हमने हर बार देखा है वही तो हम भी क्योंकि हमें भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उसके मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि किस तरह से अप्लाई करना है क्या कुछ हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही क्योंकि ये गलत जो है सिस्टम से हो रहा था तो इसके बारे में हमें भी प्रॉपर नहीं था क्योंकि जो प्रॉपर सिक्वेंस फॉलो होता था वो वैसा नहीं हो रहा था हां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला सहित धर्मशाला सेंटर और 73 से ज्यादा निजी बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए एक परीक्षा करवाई है इस बार भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला प्रशासन ने दोनों विश्वविद्यालय के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाई थी इस अब इस आधार पर मेरिट बनेगी और बीएड में प्रवेश दिया जाएगा तो कंबाइंड जो है मेरिट लिस्ट बनी है एक जगह ही अप्लाई होगा अब ये एचपीयू की वेबसाइट पे ही मेरे हिसाब से अप्लाई होना चाहिए जिस तरह से हर बार होता रहता है अगर अलग अलग होता है तो इसमें प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स के लिए होगी फिलहाल आप अभी थम जाए मेरे हिसाब से जो इन्होंने लिंक प्रोवाइड किए थे वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं अगर हो भी गए हैं तो उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है अब यहाँ पे एच ने मंडी विश्वविद्यालय से जवाब तलब तलब करने के लिए निर्देश दिए हैं एच प्रशासन ने ही कर, करवाई थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक दो तो दिन में ही अब एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी जिसमें कि क्लियरेंस जो है आपको दे दी जाएगी कि क्या कुछ करना है आपको क्या नहीं करना है उसकी हम आपको अपडेट दे, दे देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी जो न्यूज़ लगी है वो भी इस तरह से लगी है कि बिना मैरिट्स के ही एस पी ओ ने जारी कर दिया शेड्यूल तो ये कहना कहीं गलत है दोनों विश्वविद्यालय में अलग अलग काउंसलिंग से पड़ेगी छात्रों की समस्याएं दो जगह करना पड़ेगा आवेदन सरदार पटेल विश्वविद्यालय में बी की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है हालांकि एच ने अभी तक जो बी की प्रवेश परीक्षा का जो श्रेणी बार मेरिट सूची है वो तैयार नहीं की है जारी नहीं की है वहीं बी में प्रवेश के लिए न्यायालय के आदेशों पर लागू किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर पर भी प्रदेश सरकार का कोई फैसला नहीं आया है बिना मेरिट और बिना रोस्टर के एस पी ओ की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने से प्रवेश परीक्षा में अपियर हुए बीस हज़ार से अधिक जो छात्र है वो परेशान हैं उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि दोनों विश्वविद्यालय से संबंध बी एड कॉलेज के लिए वे कैसे आवेदन कर पाएंगे तो यही इसमें बड़ी समस्या है तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दोनों विश्वविद्यालय के लिए एच की ओर से बी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली गई थी ऐसे में काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी मिलकर जो है मिलकर चर्चा करने के बाद जारी करना चाहिए था ताकि पचहत्तर निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में सीट आवंटन प्रक्रिया संयुक्त रूप से आयोजित की जाए अब ये होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तो बिना मेरिट और बिना रोस्टर एचपीयू कैसे काउंसलिंग अपने काउंसलिंग कैसे अपने स्तर पर संबंध कॉलेज के लिए कर पाएगा यह बड़ा सवाल है तो एसपीयू के द्वारा बीस जुलाई को जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया था जिसमें कि आप देख सकते हैं कि छह सौ और चार सौ की ऑनलाइन आवेदन फीस जमा करवाने के लिए भी कहा गया है अधिसूचना के अनुसार आठ अगस्त उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया है और ग्यारह जुलाई को काउंसलिंग की जो संभावित तिथि है वो तय की गई है तो अगर आप भी इस चीज़ों से कंफ्यूज है तो आप कंफ्यूज ना होए एक दो दिन का वेट करें जल्द ही आपके लिए इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी या तो ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो एच के द्वारा वापस लिया लिया जाएगा क्योंकि बिना मेरिट लिस्ट के किस तरह से अब ये काउंसलिंग करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी वैसे ये जो जब ये कह दिया है इन्होंने कि इसमें एच जो है वो इनसे बात करेगा और फिर देखते हैं क्या होता है फिलहाल आपकी जो है मेरिट लिस्ट पहले आनी है मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट के साथ ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या कुछ किस तरह से आपको करना है तो बाकी कोई अपडेट आती है तो वो हम आपको बता देंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप जो है हमारा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोई जितनी भी नोटिफिकेशन रहती हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो अभी के लिए इतना ही है कि जो ये शेड्यूल है मेरे हिसाब से ये गलत शेड्यूल है एस के द्वारा जो जारी किया गया है एच के द्वारा पहले मेरिट लिस्ट जारी की जानी है उसके बाद शेड्यूल आएगा उसके बाद आप आवेदन जो है वो कर पाएंगे तो ये कुछ आज की खास अपडेट थी आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले अपडेट के साथ तब तक सब्सक्री बाय